गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिटी का पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक्स हैं। हमारा टारगेट एक तो क्या कहते हैं बेसिक्स हैं और बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं जो हम यूनिटी में कवर कर रहे हैं। सो ये देखें, आपका डेटा लेआउट खुलेगा। यहाँ से आप इसमें अपना अकाउंट लॉगिन भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ इंटरनेट फिजिबिलिटी होगी बैलेंस, तो हम इसलिए ऑफलाइन पर जाएंगे। हम एक न्यू सीन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, वहाँ पर नाम देंगे हम उसको टेस्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ से उसमें हैशेस वगैरह कैलकुलेट करेगा यूनिटी पैकेज मैनेजर अपना। सो इसके लिए हम स्टैंडर्ड कोड एडिटर लेंगे हम। इसमें विजुअल स्टूडियो कोड यूनिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 64-bit 2018.4.4 वर्जन अपग्रेडेड टू द प्रोफेशनल वर्जन। अब ये थोड़ी देर में आपके सामने भी लेआउट आ जाएगा। जैसे अब ये देख रहे हैं वो सारे प्रोग्राम फाइल अपने फैच कर रहा है, अपने डिकोड कर रहा है, चीज़ें डिकोड करता आ रहा है। सो होल्ड ऑन का चंद सेकंड का फोन टाइम, सो उसके लिए हम दो मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं। चंद एक सेकंड के लिए आप हैंडली होल्ड कर लें। ओके, ये कुछ लेआउट है यूनिटी का यहाँ पे आपके सामने ब्लैक एंड ग्रे में। ये कुछ वॉटिंग आ रही थी, पहले हम इसको क्लियर कर लें। ठीक है, कॉन्सोल को आप उठाएँ, ड्रैग करें और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जो बेसिक लेआउट जब आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कर बेसिक शुरू से इंस्टॉल करेंगे ना, तो कुछ यू होगा डिफॉल्ट लेआउट। जो लेफ्ट हैंड पे होगा ये आपके पास हायरार्की टेबल है सारा, ये आपका इंस्पेक्टर टेबल है, ये प्रोजेक्ट टेबल है, ये कॉन्सोल है। इसके ऊपर आपके पास कुछ टूल बार में हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जिसमें हम फाइल एडिटर सर्च गेम वगैरह कंटेंट वगैरह इनको डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे यूटेंसिल्स टूल्स हैं, कुछ सेंटर और ग्लोबल के डेफिनेशन में कुछ प्ले वगैरह और ये चीज़ें लेयर्स वगैरह और डिफॉल्ट वगैरह। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास हायरार्की है। हायरार्की में हम जो गेम सीन में ये जो सीन व्यू आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई चीज़ ड्रैग ड्रॉप करते हो ना, जो भी आप कोई चीज़ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला के ड्रॉप करोगे तो वो आपका यहाँ हायरार्की टेबल में आएगा। ठीक है, फिर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट व्यू। प्रोजेक्ट में आप जो भी पैकेज लेके आओगे, कोई भी गेम का पैकेज लेके आते हो, कोई भी पैकेज लेके आते हो, तो आप वो यहाँ पे ड्रैग करोगे, वो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कोई ट्री का पैकेज यूज़ करते हो, कोई स्टैंडर्ड एसेट पैकेज यूज़ करते हो, कोई इंडस्ट्री का पैकेज यूज़ करते हो, तो वो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट व्यू में आएगा। इंस्पेक्टर में अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सैम्पल सीन को खोलता हूँ, तो मैं इसमें मेन कैमरा में क्लिक करता हूँ, तो इंस्पेक्टर में आपको उसके अगेंस्ट कुछ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, वो आपको इंस्पेक्टर में नज़र आएंगी। ठीक है, ये सीन भी होता है जहाँ पे मेरा इस वक्त हाथ है। यहाँ पे आप अपना पूरा प्रोडक्शन काम करते हैं, जो भी आपने प्रोड्यूस करना है। गेम भी होती है कि आप साथ साथ उसको टेस्ट कर सकते हो रन टाइम पे, कि गेम में आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, कैसे क्या देख रहे हो। फिर साथ है एसेट स्टोर। अभी तो हम करंटली ऑफलाइन है। एसेट स्टोर इज सेम एज एक बंडल स्टोर है एक किस्म का, जहाँ पे आपके एसेट्स होते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो इस एसेट स्टोर पे अवेलेबल होंगे। इसमें पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। ठीक है, आप अपने भी पब्लिश कर सकते हैं अगर आप एक एसेट डिज़ाइनर या मॉडल डिज़ाइनर हैं। ठीक है, फिर साथ ही आपको यहाँ पे कॉन्सोल प्रोजेक्ट के साथ कॉन्सोल नज़र आएगी। कॉन्सोल में आपको एरर वार्निंग और रन टाइम कोड कोड एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर साथ आपको ऊपर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही होंगी, जो जिसमें हमारे पास ये एक हैंड है, एक पोजीशन टूल है, रोटेशन टूल है, स्केल टूल है, स्ट्रेच टूल है, ऑल टूल है, सेंटर मतलब सेंटर है और पिवट है, ग्लोबल और लोकल वैल्यूज हैं, कोलैब वगैरह है, क्लाउड है, अकाउंट है, लेयर्स हैं, ये अब इन चीज़ों का डिस्कस करते हैं। तो आप देखें, आप यहाँ पर हैं कोलैब आपको एक सर्विसेज देता है, सेम एज क्लाउड और कोलैब एक ही चीज़ें हैं। फिर आपके पास अकाउंट आता है, अकाउंट जहाँ पर आपने साइन इन किया हुआ वो यहाँ पर आपको साइन इन का नहीं आपका नेम नज़र आ जाएगा। फिर आपके लेयर्स होती हैं कि हर, क्योंकि जहरी बात है हर चीज़ एक लेयर से मिलकर बनती है, तो इसलिए हम एवरीथिंग हर चीज़ नथिंग कुछ भी नहीं डिफ़ॉल्ट, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ट्रांसपेरेंट जो हम
मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए यूज़ होता है। इग्नोर रे कास्ट वगैरह होता है। वाटर और यूआई वगैरह के उसकी वाटर का कलर रिफ्लेक्टिव क्या है, यूआई क्या है, उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग हम देख कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफॉल्ट है जो 2x3 देख सकते हैं आप यहाँ पे, 2x3 यहाँ पे स्क्रीन, मतलब कि जो स्क्रीन है वो 2x3 हो गया, मतलब सीन व्यू पर, गेम व्यू नीचे, हायरार्की से राइट पे, प्रोजेक्ट राइट पे और इंस्ट्रक्टर उसके राइट पे। सो देखें, फिर आपके पास है 4 स्प्लिट, आप 4 डिस्प्लेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास टॉल है, टॉल में आपको अगर स्पेस मिल जाता है इजीली आप देख सकते हैं, साथ ही आपको उसका गेम भी हो जाएगा और ये इस तरीके से सेटिंग हो जाएंगी। फिर आपके पास आता है वाइड आपको एक LCD लिक व्यू देगा, जहाँ पे आप देखें ऊपर आपका यहाँ पे सीन व्यू आ जाएगा, गेम व्यू साथ आ जाएगा, यहाँ पे हायरार्की, यहाँ पे प्रोजेक्शन और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। फिर आप अपने मुताबिक भी सेव कर सकते हैं, इंक्लूड डिलीट कर सकते हैं या रिवर्ट कर सकते हैं उसको, उसकी फैक्ट्री सेटिंग पे। साथ ही अगर हम जाते हैं इसको टॉल पे लेके, जो हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। सो ये तो था कुछ इसका ना लेआउट का डिस्कशन। अब यहाँ देख रहे हो आपको फाइल में आप क्या कर सकते हो, न्यू सीन कर सकते हो, कोई भी ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज न्यू कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हो, सेव प्रोजेक्ट कर सकते हो, बिल्ड सेटिंग्स चेक कर सकते हो, बिल्ड्स वगैरह निकालने के लिए प्रोसेस होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। बिल्ड एंड रन, डायरेक्ट बिल्ड एंड रन कर सकते हो और इंजन का एग्जिट कर सकते हो। फिर एडिट आता है, एडिट में आप अंडू कर सकते हो, कोई चीज़ आपने सिलेक्ट किया है उसकी अंडू सिलेक्शन चेंजेस जो उसको लाइक अंडू कर सकते हो, कट कॉपी पेज डुप्लीकेट डिलीट ये चीज़ें कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो सिलेक्ट कोई सा, कोई कहीं पर लॉक कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, प्ले पॉज स्टॉप वगैरह कर सकते हो, साइन इन ऑन आउट कर सकते हो, सिलेक्शन देख सकते हो, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हैं कुछ, मतलब जैसे ये प्रोजेक्ट की सेटिंग होती हैं, अब इनके साथ फर्दर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे होती हैं, क्या होती हैं ये। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, जो सिस्टम प्रेफरेंसेस मॉड्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं वो आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। प्रेफरेंसेस एक किस्म का एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे आप अपना डाटा सेव करके रखते हैं, आप उसको चाहें तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। फिर ग्राफिक एमुलेशन वगैरह और स्नैप सेटिंग्स वगैरह हैं कुछ। फिर एसेट्स हैं, कैसे क्रिएट करना है, शो करना है, क्या क्या करना है, ये चीज़ें हैं। गेम ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, इनके बारे में भी हम आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं। क्रिएट एम्प्टी का कोई नया गेम ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, 3D ऑब्जेक्ट्स कौन सा हमें चाहिए, जिसमें क्यूब्स, स्फीयर, कैप्सूल, सिलेंडर वगैरह हैं। 2D ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास कुछ, इफेक्ट्स हैं, लाइट्स हैं, ऑडियो वीडियो, UI कैमरा वगैरह और ये चीज़ें, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं जो रेंडरिंग वगैरह और ये चीज़ें इसमें होंगी शामिल, हम इनको भी डिस्कस करेंगे।